बाकी की सब पार्टी में ऐसी है कि उधर वन मैन शो चलती है, इधर टीम वर्क चलता है, इधर कोई बड़ा नेता नहीं। अभी जब हमारा मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार जी है, वो हम सबको साथ में बैठा के सबको जिम्मेदारी देता है और वो भी खुद भाग्य लेते हैं उसमें। और हर वक्त में कुछ भी कुछ प्रॉब्लम होता है कि आशीष जी तुरंत उधर पहुंचते हैं, निवारण करने के लिए, मदद करने के लिए। तो बीजेपी पार्टी नहीं, इट इज अ टीम वर्क ऑन एन आइडियोलॉजी। तो बाकी के पक्ष में एक इधर तो मिसिंग। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सीएनयू चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई में और ये मुंबई का दक्षिण मध्य मुंबई मतदार संघ है, जहां पर इस वक्त अनिल देसाई और राहुल सेवाले के बीच इस वक्त घमासान लड़ाई चल रही है और देखना ये है कि पब्लिक किसे अपना कीमती मत देती है, मतलब किसे चुन कर लाती है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ ऑलविन दास जो हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और कई इस लोकसभा के अंतर्गत कई बड़े मुद्दों पर काम कर रहे हैं, उनसे चर्चा करते हैं। उनसे जाना चाहेंगे कि राहुल सेवाले को जिताने के लिए किस तरह का प्रयास है या भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता किस तरह जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, वो सब मुद्दे पर चर्चा करेंगे ऑलविन दास जी से। सबसे पहले तो आपका सीएनयू चैनल में स्वागत है। नमस्कार। मैं जानना चाहूँगा कि आपको एक बीजेपी ने बड़ी जवाबदारी दी है और इस लोकसभा में के लिए किस तरह आप लोगों के साथ, बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्या करना चाहेंगे? हम लोग सब जितने भी पदाधिकारी हैं, हम लोग का एक टीम बनी हुई है और वो टीम के द्वारे हम लोग ग्राउंड लेवल पे सभी समाज के लोगों को हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी में जाके हमारा जो काजदार है, जो दो टर्म जो सबसे अच्छा काम किया हुआ एक आम काजदार है श्री राहुल सेवाले के काम के बारे में उनको बताते हैं और आगे के अभी उनकी जो विजन है, जो ब्लूप्रिंट है, विकास कैसा करना है, किस एरिया में क्या बाकी है और किधर क्या करना है, उसके बारे में भी हम समझाते हैं और लोगों का दिल जीत के भरोसा दे के राहुल जी के लिए हम बड़ी बहुमत के लिए मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी का इस बार प्रधानमंत्री बनना कितना ज़रूरी है, जो 400 पार का नारा लगाया जा रहा है? मोदी जी की एक विजन है, वो एक 5 साल का विजन नहीं है, वो एक 50 साल 25 साल का विजन है। तो एक कंटिन्यूटी होना चाहिए और लोगों का मन में भी वो कंटिन्यूटी देना चाहिए, ऐसा एक निर्णय वो लोग खुद ले चुके हैं। तो 100% मोदी जी वापस भी और भी जब तक मोदी जी नहीं चाहेंगे तब तक वही प्रधानमंत्री रहेंगे। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं तो आपके ऊपर बड़ी जवाबदारी, लेकिन बीजेपी में आने का सबसे बड़ा मतलब और मकसद क्या है, क्योंकि पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में थे फिर आपने बीजेपी में प्रवेश किया, क्या करना चाहिए? बाकी की सब पार्टी में ऐसी है कि उधर वन मैन शो चलती है, इधर टीम वर्क चलता है, इधर कोई बड़ा नेता नहीं है। अभी जब हमारा मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार जी है, वो हम सबको साथ में बैठा के सबको जिम्मेदारी देता है और वो भी खुद भाग्य लेते हैं उसमें। और हर वक्त में कुछ भी कुछ प्रॉब्लम होता है कि आशीष जी तुरंत उधर पहुंचते हैं, निवारण करने के लिए, मदद करने के लिए आते हैं। तो बीजेपी पार्टी ने इट इज़ अ टीम वर्क ऑन एन आइडियोलॉजी। तो बाकी के पक्ष में एक इधर तो मिसिंग है। अच्छा, इस वक्त जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, राहुल सेवाले जी के लिए कितना लोकसभा जो चुनाव है, कितनी चुनौती अनिल देसाई के सामने, क्योंकि राहुल सेवाले लोगों का कहना है कि यहाँ के स्थानीय है, लोकल है, लेकिन अनिल देसाई बाहर से आए हुए हैं, ऐसा लोगों का कहना है, इस पे क्या कहेंगे? मैं तो एकदम सिंपल बात बोलना चाहता हूँ कि अनिल देसाई को ठाकरेगढ़ के कार्यकर्ता पहचानता है क्या? वो बड़ा नेता है, वो ऑफिस के अंदर बैठ के काम करता था, धूप में नहीं आता, वो शाखे के लोग उसको जानता है क्या? तो उधर ही उसकी पहचान नहीं है, उद्धव ठाकरे गेट में, तो जनता के सामने उनकी क्या पहचान है? चलते हैं अभी पर उनकी निर्णय है, हम हमारा नेता का, हमारा काजदार का काम का ऊपर हम मत मांग रहे हैं। अच्छा, क्या लोगों से अपील करेंगे, क्योंकि धारावी में एक तरफ बताया जा रहा है, अफवाह फैलाया जा रहा है कि धारावी के लोगों को मुलुंड में शिफ्ट किया जाएगा, आपका क्या इस पे मत है? पहली बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि धारावी की रीडेवलपमेंट कांग्रेस और एनसीपी की आइडिया था, ये उनकी प्रोजेक्ट थी। पहली बात तो वो लोग किए नहीं। जब वो प्रोजेक्ट को बीजेपी ने लेके उधर की गरीब लोगों को, जो झोपड़े में 10x10 के झोपड़े में रहने वाला जो गरीब लोगों को एक उन्नति घर देने की काम बीजेपी कर रही है, और बड़े से बड़े लीडर हमारा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र जी से लेके, स्थानीय काजदार से लेके, मुंबई अध्यक्ष से लेके, ये बताया गया कि उन लोगों को उधर ही घर देने वाले हैं।
सब सुविधा के साथ उधर ही धारावी में भी अच्छे घर बना के देने के वादा किया। लेकिन ये गुमराह करने के काम है, ये बाकी का जो पक्ष की जो नेता है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो शंका खड़ा करने की एक टेक्निक है, करेंगे। लेकिन धारावी के लोग समझदार है, उनको पता भी है उधर ही उनकी जीवन बसाया जाएगा, उनको अच्छा घर मिलेगा, अच्छा सुविधा के साथ मिलेगा, ये भरोसा उनको भी है और करने की जिम्मेदारी और ताकत बीजेपी को है। अच्छा, धारावी के लोगों का कहना है कि वर्षा गायकवाड़ धारावी छोड़कर गायब हो गई है, लेकिन वो तो लोकसभा को चुनाव लड़ रही हैं पूनम महाजन इनके उज्ज्वल निकम जी के सामने। देखो ये उनकी अंदरूनी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के शिवसेना की कुछ तालमेल बराबर नहीं चल रहा है। तो ठीक है, उनके अंदरूनी विषय, हमको उसमें जाना नहीं है, लेकिन वर्षा गायकवाड़ के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमको उसमें कोई जाना नहीं है। हमको बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी अजीत पवार, आरपी आठवलेगढ़ और मनसे, ये हमारा टीम बहुत बड़ा है और हम एक दूसरे के साथ टीम वर्क करके काम कर रहे हैं, किसी से कोई टेंशन। ये टीम काम करने पर राहुल वाले जीत करा जाएंगे, 100% जीतेंगे, वो जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीत के आएंगे। अच्छा, राहुल शिवालय को एक एक मिलने वाला एक एक वोट वो मोदी जी को जाएगा, अगर राहुल शिवालय जीत के आएंगे तो 400 में जो एक नाम राहुल शिवालय का जुड़ेगा, इस पे इसके लिए लोगों से क्या अपील करेंगे? एक काजदार मोदी जी के प्लान में, विजन में जाके पार्लियामेंट में बैठेगा तो उनकी मतदार संघ का भी जो काम है वो मोदी जी के द्वारा होएगा। अच्छे अच्छे काम पेंडिंग है, अच्छे अच्छे काम का ब्लूप्रिंट भी तैयार है, तो मोदी जी अपने काजदार जो परिचय हुए काजदार, दो टर्म किया हुआ काजदार, उनकी संपर्क में है वो काजदार, तो काम होना भी आसान है, सैंक्शन होना आसान है और सुनवाई भी फटाफट हो जाएगी। तो जनता के लिए राहुल शिवाले जी तीसरी बार मोदी जी के सामने जाके बैठना वो ज़रूरी है हमारा लोकसभा मतदार संघ के लिए। जी हाँ, बीजेपी के वरिष्ठ नेता ऑलविन दास जी हमारे साथ मौजूद है और उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा किया। उन्होंने बताया कि राहुल शिवाले जी का जीतना कितना ज़रूरी है और राहुल शिवाले जीतने के बाद जो नारा लगा है बीजेपी की तरफ से 400 पार, तो उस 400 में एक राहुल शिवाले भी होंगे, ऐसा ऑलविन दास जी का कहना है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़ मुंबई। बाकी की सब पार्टी में ऐसे है कि उधर वन मैन शो चल रही है, इधर टीम वर्क चल रहा है, इधर कोई बड़ा नेता नहीं। अभी जब हमारा मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार जी है वो हम सबको साथ में बैठा के सबको जिम्मेदारी देता है और वो भी खुद भाग्य लेते हैं उसमें, और हर वक्त में कुछ भी कुछ प्रॉब्लम होता है कि आशीष जी तुरंत उधर पहुँचते हैं, निवारण करने के लिए, मदद करने के लिए। तो बीजेपी पार्टी नहीं, इट इज़ अ टीम वर्क ऑन एन आइडियोलॉजी, तो बाकी के पक्ष में एक इधर तो मिसिंग। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।